सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. इट्स 9:31 राइट नाउ और आज है 18 मार्च. और बस अभी मैं लगी हूँ अपनी ग्रीन टी बनाने. सो गाइस, हम पियेंगे ये ऑर्गेनिक इंडिया की तुलसी ग्रीन क्लासिक. ये एकदम मतलब नेचुरल है, बिना किसी फ्लेवर के. सो ये वाली ग्रीन टी पी रही हूँ मैं आजकल. पहले मैं वो सैशे वाली पीती थी, बट मेरे को ये ज्यादा अच्छी लगती है. और आप सोच रहे होंगे कि मैं शक्ल क्यों नहीं दिखा रही हूँ अभी. मैं अभी सो के उठी हूँ एंड आई डोंट वॉन्ट टू शो माई फेस. तो मैं सोच रही हूँ पहले ग्रीन टी बना लूँ, फिर थोड़ा नहा धो के फिर मैं कैमरा पे अपनी शक्ल दिखाऊंगी आप लोगों को. एक्चुअली इसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं ग्रीन टी बनाने की वो अलग है. इसमें लिखा है कि जस्ट पहले पानी उबालो, फिर गैस बंद कर दो, मतलब वार्म वाटर लो, उसमें तुम ग्रीन टी डाल दो और थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दो इन्फ्यूज करके. बट मैं ऐसे नहीं बनाती हूँ. मुझे लगता है अगर मैं पानी गर्म करके डालूंगी और 3-4 मिनट के लिए छोड़ दिया तो पानी जो है ठंडा हो जाएगा. इसलिए मैं गैस पे रख के पत्ती डाल के फिर इसको बॉईल कर देती हूँ वाटर को. ओहो, मैं बुक ढूंढ रही हूँ और पता नहीं कहाँ रखी हुई है मैंने. सो मैं ग्रीन टी पीऊंगी और साथ में ये बुक पढ़ रही हूँ मैं. दिस इज द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन आर कोवे. आई गए तुम? हाँ ठीक है जी, नमस्ते. और जब मैं बुक पढ़ती हूँ एक ये हाइलाइटर जरूर रखती हूँ, क्योंकि फिर जो मुझे कुछ इम्पोर्टेंट या कुछ जो अच्छे पॉइंट्स लगते हैं साथ साथ में वो मैं हाईलाइट करती रहती हूँ. इसका मैंने अभी तक मतलब 2 हैबिट्स फर्स्ट वाली खत्म कर दी है. वो है, फर्स्ट हैबिट इज टू बी प्रोएक्टिव और सेकेंड है टू स्टार्ट विद दी एंड इन द माइंड. वो मैं मतलब अभी पढ़ रही हूँ, अभी पूरा कम्प्लीट नहीं किया है चैप्टर मैंने. वो सारे दरवाजे खोलने छोड़े हुए, मक्खियाँ आई जा रही हैं. मक्खियाँ कने मच्छर बड़े हो गए. बाप रे, आंटी ने ना सारे दरवाजे खोल के रख दिए हुए. चलो. सो गाइस, वेलकम टू द चैनल. आई एम साक्षी पठानिया और चैनल का नाम है साक्षी पठानिया. आई मेक लाइफस्टाइल व्लॉग्स, ट्रैवल वीडियोस एंड एडवेंचर वीडियोस. सो अगर आप लोग न्यू हैं, पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, फिर मैं आज का व्लॉग शुरू करती हूँ. तो अभी मैं लगी हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने. आज मैं बनाऊंगी सिर्फ ऑमलेट. सॉरी, लाइट अच्छी नहीं थी पीछे. हाँ, सो गाइस, आज मैं बनाऊंगी सिर्फ ऑमलेट वेजीज डाल के और ओट्स, क्योंकि ओट्स में फाइबर होता है. सो वो डालूंगी एंड दैट्स इट. बस ऑमलेट खाऊंगी और साथ में कॉफी पीऊंगी. और उससे पहले थोड़ी किचन की हालत ठीक करूं मैं. ले आए तुम? अच्छा, दे दियो था. हाँ जी, ठीक है. एक ही थाली दे दे मारो पहनी जी. थाली ले लो आप. लाइक की जिंदगी में आ आ ठीक है ठीक है. एक एक मेरे को भी देना तू पहनी जी अपना अंगे. ओ खानी में चोरी नहीं होंगी. गुड बाय के ठीक है. क्या ले आ रही है? प्रोटीन. थैंक यू. गाल वगैरह के लिए गुड़ पाना करने के हो पाना. हां तो चाहिए. हां से स्वाद लो जी. क्या कर रही है? ए ए मामा खा रही है. एक गुनगुन के मिली थी. अच्छा, अंगनवाड़ी. चलो, सो ऑल डन.
नाउ लेट्स मेक माई ब्रेकफास्ट. सो ब्रेकफास्ट में बिकॉज मैं सिर्फ एग खाऊंगी, मतलब साथ में कोई चपाती नहीं, कोई ब्रेड नहीं, तो आई विल मेक टू एग्स. मेरे नट्स देख लेती हूँ, अभी है 11 बजने को 5 मिनट है, तो ये पूरे 11 बजे खाऊंगी मैं. सो आज वेजीज है नहीं ज्यादा, सिर्फ टमाटर है और प्याज है. अदरवाइज मैं इसमें डालती हूँ कैबेज और कैप्सिकम, बट आज सब कुछ खत्म है, आज शाम को ले आएंगे मम्मी. सो चलो कोई बात नहीं, आज बस ये दो चीजें डालूंगी और ओट्स डालूंगी. एक तो यार ये मिना मेरे से फ्लिप नहीं हो पाता, हमेशा टूट जाता है. नहीं दे, वो देखो देखो लगा टूटने, फोल्ड करके फिर फ्लिप करते. अयो टूट ही गया सारा, देखो फोल्ड कर देती हूँ उसको. सो ब्रेकफास्ट इज रेडी, मैं ब्रेकफास्ट खत्म करती हूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों को. बहुत भूख लगी है मेरे को और टाइम भी 11 बज गए हैं. सो टुडे आई एम ऑन, मतलब आज मैं पूरा अपना टाइम फॉलो कर रही हूँ. अभी मैं क्या कर रही थी, अपनी वीडियो देख रही हूँ, पुरानी ऑस्ट्रेलिया सीरीज देख रही थी अपनी कैमरा वाली. सो मतलब वही देख रही थी वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट हुई है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं और मेरा बोलने का स्टाइल कितना चेंज हुआ है. सो इन केस आपने मेरी ऑस्ट्रेलिया सीरीज नहीं देखी तो ऊपर मैं डाल दे रही हूँ आई आइकॉन पे, वो ज़रूर देख लेना. वो मतलब मेरे लिए बहुत ही नॉस्टैल्जिक है क्योंकि मैं अपनी सिस्टर के साथ गई थी और अपने नेफ्यू के साथ. सो मैंने बहुत इन्जॉय किया था, हमने जितना इन्जॉय किया था उतनी लड़ाई भी की थी. वो बिहाइंड द सीन्स है, वो मैंने डाले नहीं है, बट स्टिल मतलब बहुत नॉस्टैल्जिक है ये सीरीज मेरे लिए. तो अभी एनीवे उठने ही लगी हूँ क्योंकि बहुत टाइम से यार एक तो ये कैमरा ही घूम जाता है मेरा, तो मैं बस उठ के बाहर जा रही हूँ क्योंकि मेरे को वाइट शूज अपने साफ करने हैं. उनको मैं इतना बचा के रखती हूँ और जितना मैं बचा के रखती हूँ शूज वाइट वाले, उतने ही वो गंदे हो जाते हैं. तो बस बहुत टाइम से अभी गंदे ही पड़े हुए हैं, बस मैंने अपने शूज साफ करने. ये रहे हमारे जूते, और वाइट शूज खरीदो ना तो बहुत ही गंदे हो जाते हैं. और ये वाले मेरे फेवरेट शूज हैं, इनको मैं इतना बचा बचा के रखती हूँ. एक बार में हम गए थे प्राशर लेक, पूरे रास्ते मतलब मैं आगे बैठी थी कार में, तो मैंने पीछे ना हम लोग 4 लोग थे, तो इसलिए मैंने अपने शूज़ उतार दिए कि जैसे जो बाकी लोग बैठे हों वो लोग मेरे मतलब शूज़ पे उनके शू प्रिंट आ जाएंगे. मतलब मैं इतनी कॉन्शियस थी कि गंदे हो जाएंगे, मैंने जूते उतार के डिक्की में रख दिए. उसके बाद क्या हुआ, जब हम पहुंचे प्राशर लेक, हम ऊपर तक मतलब चढ़ भी गए, जब वापस आने लगे मैं और मेरी फ्रेंड हमने सोचा हम शॉर्टकट लेते हैं. तो वो शॉर्टकट लेने के चक्कर में क्या हुआ, वो वहाँ पे वो था स्नो पड़ी थी और स्नो मेल्ट होके मतलब उसका वो पानी पिघल रहा था और जहाँ जहाँ से वो पानी जा रहा था वहाँ पे कीचड़ हो गया था, मगर क्योंकि ऊपर स्नो भी थी तो वो पता नहीं चल रहा था कि कीचड़, और सीधा पैर पड़ा कीचड़ में और पूरे मतलब जितने पूरे रास्ते की मेरी मेहनत बस एक मिनट में खराब हो गई. इतना बुरा लगा था तब तो मेरे को, बट फिर क्या कर सकते थे, जूते तो गंदे हो ही गए थे. तो मैंने एक बार ये पहले वॉश किए थे, अभी मेरा मतलब प्रॉपरली वॉश करने का मन नहीं है, तो मैं बस ऊपर से मतलब बस ब्रश से स्क्रब कर दूंगी जहाँ जहाँ गंदे, बस उतना ही करूँगी आज. एक तो ब्लॉग करते करते इतनी प्रॉब्लम आती है, अब मैं सोच रही हूँ कैमरा कहाँ फिक्स करूँ और कैसे जूते दूँ. कैमरा का एंगल ढूंढना पड़ेगा पहले.
सो मैं आ रही हूँ, कैमरा में दिख रही हूँ पूरी। एक तो इतना दूर रखा है ना कैमरा, मेरे को मतलब हाथ ऐसे हिला के देखना पड़ रहा है कि मैं आ रही हूँ कि नहीं। तो भाई ये जूते जो है मेरे, ये तो फिर भी वो लेदर वाले हैं तो ये साफ हो जाते हैं, मगर अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, जो वो क्लॉथ वाले कपड़े होते हैं ना, कपड़े वाले जो क्लॉथ वाले जूते होते हैं, वो मत खरीदना। वो लोग जितना बोलते हैं ना कि शैम्पू से साफ हो जाएंगे या जो भी क्लेंजर वगैरह देते हैं, उससे बिल्कुल साफ नहीं होते, इतने गंदे के गंदे ही रहते हैं वो। मतलब मैंने वॉश करके भी देखे उनको, शैम्पू से साफ करके भी देखे, मेरा तो बहुत बड़ा गंदा एक्सपीरियंस है उन शूज के साथ। ये वाले हैं ये फिर भी साफ हो जाते हैं। और यार इसमें लगा पता क्या था, गोबर लग गया था। अच्छा वो मैंने टाइमली साफ कर लिया, क्योंकि इसमें देखो हरा हरा ग्रीन कलर आने लग पड़ा है गोबर का। तो पहले लगाते नहीं थे, मतलब अभी भी लगाते हैं कहीं हाउस होल्ड में गोबर का वो लेप लगाते हैं ना, फिर उससे वो ग्रीन कलर आ जाता है उसमें। तो वैसे कलर डालते भी है पर नेचुरल कलर भी, तो मेरे शूज भी ग्रीन हो जाते। शुक्र है भगवान का मैंने टाइमली साफ कर लिए। ये देख लो भाई, इसका जो ग्रीन कलर है ना, जा नहीं रहा अभी तक, आ गया इसमें। ये तो हुआ साफ। ऑल डन। और यार धूप इतनी तेज हो चुकी है ना, मतलब वो चुभने वाली धूप आ चुकी है। और इस महारानी को देखना धूप में लेटी हुई है। लाइकू कुछ नहीं, धूप में लेटी हुई है देखना। उफ लाइका चल छाए में बैठ। लाइकू ले उठ छाया में बैठ, गुड गर्ल। चल इधर आ उठ, छाया में नहीं बैठती तू है पगली जैसी। चलो आ जाओ, मैं करती हूँ गर्म सब्जियां फिर आ जाओ, हाथ धो लूं पहले मैं। पंजी तेल कौन सा? ये है, ये कास्टर ऑयल है, ठीक होता है बड़ा। ये थोड़ा ना बेबी को देने लगाई लिया थे, ये हम तो दो बार लगवान लगी है तेल। कितनी बार लगाया मैंने आपसे? एक बार ही लगाया था। अभी लगाऊंगी रोज, वेंसडे दोनों होता है ना सिर्फ, ट्यूजडे लगवाऊंगी और सैटरडे को, हफ्ते में दो बार। भैया तो तेल लगवाना है तो एक सीधी है। जी क्या दोस्तों कि मेरी दादी चंपी कर दी फोन बज रहा है मेरा। इतनी अच्छी चंपी की दादी ने, मेरे को नींद आ रही है, मन कर रहा है सो जाऊं अब। और इसमें लिखा है कि ये नेल्स के लिए भी अच्छा है, तो मेरे को नेल्स भी ग्रो करने हैं। नेल्स पे भी लगा लेंगे। पता नहीं है क्या ये बचपन से टेढ़ा, अभी भी टेढ़ा ही निकलता है। तो फिर मेरा ये गंदा हो जाएगा कैमरा। चलो ये बाद में लगाती हूँ बंद करके। चलो सो गाइज वीडियो बंद ही करती हूँ मैं, इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। बाकी मैं आपको फिर मिलूंगी न्यू व्लॉग में, न्यू वीडियो में। और आप लोग बस जल्दी से ये चैनल सब्सक्राइब कर दो, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं कॉन्टेंट क्रिएट करने को, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। उससे क्या है कि खुशी मिलती है, जैसे जैसे सब्सक्राइबर काउंट इंक्रीज होता है तो वो हमें लगता है कि नहीं हमें अपनी मेहनत का जो फल है वो मिल रहा है। सो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके उतना शेयर करो। बाकी नीचे कमेंट सेक्शन में मिलते हैं, बाय बाय। Ask the question, then you said it. I was saying things you're regretting. Can't erase the steps we're taking.